कुछ वैज्ञानिक तथ्य आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर शिवदर्शन मलिक है, रोहतक का रहने वाला हूं। जब संस्कार के बीज पड़े थे वो गुरुकुल कुंभाखेड़ा से पड़े थे, हिसार में। उसके बाद बीएससी ऑनर्स किया, एमएससी किया, पीएचडी किया, आईआईटी दिल्ली के साथ काम किया, यूएनडीपी के साथ काम किया, वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया, इंग्लैंड अमेरिका सब कुछ तोड़ के खंगोड़ के सब कुछ देखा। लेकिन जब पता चला कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ तो 2015 से मैंने अपना रास्ता बिल्कुल बदल लिया। रास्ता क्यों बदला? जब हम गुरुकुल में थे तो उस टाइम पे हमें जो है टेम्पो में भर के दिल्ली ले जाया गया था 1977 में। गौ माता की जय जयकार करते हुए हम जा रहे थे और ये कहा था कि अब आगे अत्याचार नहीं सहेंगे, गौ माता का जो है कटनी नहीं चाहिए, उसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन जब 2015 वहाँ तक आए तो देखा कि गर्भ में जो पहले गाय थी वो भी निकल चुकी है। आप जिस सभा में जितने बैठे हैं ज्यादातर आर्य समाज विचारधारा से प्रभावित हैं और उस पर चल रहे हैं, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं आपके कितनों के घरों में गाय हैं? हाथ खड़े करेंगे। यहां पे जो मैं हाथ देख रहा हूं वो भी करीब 30% है। यहां पे जो हाथ खड़े हुए हैं वो भी करीब 30%, 70% के घरों में गाय नहीं है। और उसके बाद बैल, जैसे अभी भाई ने बताया, जो इन्होंने वाक्य बताया कि जो बैल के सींग के ऊपर ये धरती टिकी हुई है, वो बैल कहाँ है? सन 1980 तक आपके यहाँ पे 15 करोड़ बैल थे, 1990 आते हुए वो 9 करोड़ रह गए, 2017 आते होते वो 2.5 करोड़ रह गए, और अब पॉलिसी ये है कि केवल बछड़ियाँ पैदा होंगी, आपको बैल म्यूजियम में दिखेंगे। ये हकीकत हमारे समाज की। लेकिन हमारी एक और बड़ी खासियत है हमारे समाज की कि हम कोसने लग जाते हैं दूसरों को। मैकडी वाला ये कर रहा है, पिज्जा हट वाला ये कर रहा है, कोका वाला ये कर रहा है, उनको विकल्प नहीं देते हैं। अगर हम विकल्प देंगे तो ही परिवर्तन आएगा, लेकिन कोसने से बैरी कभी नहीं मरता है। तो मेरा जो काम था वो मैंने जो किया वो विकल्प देने का किया। मेरे भाई राकेश उपाध्याय ने हमें बताया कि मिट्टी के मकान बहुत अच्छे होते हैं, और इनके जो दादाजी थे या उनके परदादाजी थे उन्होंने वो मकान बनाया था, और उसके बाद उन्होंने वो मकान अपने हाथ से तोड़ा। सबको पता है मिट्टी के मकान अच्छे मकान होते हैं, और मैं तो इसके ऊपर गहन अध्ययन करता हूं, लेकिन मिट्टी के मकान तुड़वाए किसने? मिट्टी के मकान गए कहां और क्यों गए, कभी सोचा है? स्वामी दयानंद ने कहा था कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो पाठित है, कहा था ना। तो हम सभी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उन पाठ्य पुस्तकों में क्या लिखा है ये हमें नहीं पता होता। जो सिलेबस की बात कर रहे थे, वो हमारे जितने भी सिविल इंजीनियर हैं, मेरे जो छोटे भाई हैं, मेरे जो आर्किटेक्ट हैं, उनको सबको पढ़ाया ही सीमेंट और लोहा जाता है, क्योंकि वो कॉरपोरेट का है, मिट्टी नहीं जाती, मिट्टी नहीं पढ़ाई जाती। जब हमारे सबके घर मिट्टी के थे, उसके ऊपर हम गोबर का लेपन करते थे, वो घर गर्मी में कैसे रहते थे? ठंडे, और सर्दी में गर्म। जैसे मेरा ये कपड़ा है, आज मैं 27 फरवरी को आपके समक्ष खड़ा हूं, तो मेरा ये कुर्ता पजामा मैं पहनने भी आया हूं। अगर यही प्रोग्राम दिसंबर में होता तो मेरे शरीर पर क्या होता? स्वेटर होती। इसी प्रकार जो हमारे घर हैं वो हमारे बड़े कपड़े हैं, जो सर्दी गर्मी और मौसम से भी हमें बचाते हैं। लेकिन ये ज्ञान घर घर में था, इससे टैक्स कलेक्शन नहीं हो सकता था। जो तो कॉरपोरेट वर्ल्ड की सरकार आई ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसको हम कंपनी राज कहते हैं, ब्रिटिश राज, कंपनी राज, उन्होंने उन्हीं उन्हीं चीजों को प्रमोट किया।